कर दीजिए मोहम्मद। बात कहां से कहां पहुंच रही है। मशहूर वाकया है, शहंशाह वक्त अपनी जौजा के साथ गुजर रहे थे और देखा कि किनारे बहलूल बैठकर घरौंदे बना रहे हैं, मिट्टी के घरौंदे, बच्चे जो काम करते हैं या दीवाने जो काम करते हैं। और जब शहंशाह की सवारी गुजरती है तो आप जानते हैं आज भी सिक्योरिटी का मसला होता है, तब भी होता था। तो वो जनाब सब रास्ते छोड़कर चले जाते हैं, इस दीवाने पर कोई खौफ तारी ना हुआ, बैठा किनारे रास्ते के घरौंदा बनाता रहा। लेकिन जो अहले बैत के दीवाने होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि उनको शहंशाहियत भी नज़रअंदाज करके गुजर जाए। चश्मपोशी भी रुके, छिटके, ठहरे, मुखातिब किया, बहलूल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में घर बेच रहा हूँ। जौजा मोमिना थी भाई, ये रहा है तारीख में, कभी ये हुआ कि जौजा मोमिना थी शौहर मोमिन न था? और ये भी मिसालें हैं कि शौहर मोमिन था जौजा मोमिना ना थी, ये सब हुआ है तारीख में। जौजा मोमिना थी, उसने कहा बहलूल कीमत तो बताओ। बहुत मामूली सी कीमत बताई, उसने फौरन ले लिया एक घरों का। आप हजरात का सुना हुआ वाकया है, पढ़ा हुआ वाकया है और दास्तान नहीं है, वाकया है। बादशाह ने जौजा का मजाक उड़ाया, तुम्हें भी क्या हो गया है, दीवाने का बनाया हुआ घरौंदा खरीदती हो, खामोश रही। घर गए, शब हुई, ख्वाब देखा। किसने ख्वाब देखा? शौहर ने ख्वाब देखा, बादशाह वक्त ने ख्वाब देखा। हैं, ख्वाब देखा कि बहिश्त है, कसर है और उस कसर पर उसकी जौजा का नाम लिखा। दाखिल होना चाहा, दरबान ने रोक दिया। अनानियत शहंशाहियत को ठेस लगी, आंख खुली। जब ठेस लगती है तभी आंख खुलती है। अब बेचैन, दूसरे रोज फिर सवारी लेके उसी तरफ से गुजरे। मासूमीन के इल्म और इरफान का अंदाजा क्या लगाएगा इंसान। ख्वाब कोई देखता है, बयान कोई करता है। शहंशाह ने ख्वाब देखा था ना, और क्या आप समझते हैं कि जौजा को बताया होगा? वो सुक्की कहाँ बर्दाश्त करते। दूसरे दिन जब गुजरे फिर पूछा बहलूल क्या कर रहे हो? कहा घर बेच रहा हूँ, जन्नत में बताया तो था। कहा एक घर मुझे भी दे दो। कहा तुम कीमत नहीं दे पाओगे। कल तो बहुत सस्ता दे दिया था। कहा वो गैब पर ईमान लाई थी, तुम ख्वाब देख कर आए।
जुमला कह रहा हूँ, एक जुमला। कीमतें इंसान की बात कर रहा था और मैंने मिसाली कीमत के तौर पर सरकार वली वली आज़म हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया कि उन्होंने अल्लाह की मर्जियाँ ख़रीदी और उसके बाद ये वाकया मिसाल में इसलिए पेश किया कि वो तो इमाम थे, इंसान कामिल थे, वली थे, हुज्जतुल्लाह थे, आयतुल्लाहिल कुबरा थे, हुज्जतुल्लाहिल उज़्मा थे, नफ्स रसूल थे, ऐनुल्लाह थे, लिसानुल्लाह थे, यदुल्लाह थे, जंबुल्लाह थे, वजहुल्लाह थे। उनकी बात नहीं करता, उनके इश्क में जो दीवाना हो जाए उसके नफ्स की कीमत नहीं, उसके बनाए हुए घरौंदे की कीमत नहीं लगाई जा सकती। ذات کی قیمت، اس کی نفس کی قیمت، اس کی روح کی قیمت، اس کے ضمیر کی قیمت، اس کی ذہانت کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ جس کے بنائے ہوئے مٹی کے گھروندے کی قیمت نہ لگائی جا سکتا ہے، شہنشاہیت جس کے بنائے ہوئے گھروندے کی قیمت ادا کرنے سے عاجز رہ جا، یہ شان ہوتی ہے عاشقان اہل بیت کی، یہ شان ہوتی ہے ان کے در کے دیوانوں کی۔ مگر کیسا دیوانہ جسے صرف دیوانہ نہ کہا جائے دانا بھی کہا جائے۔ جان سخن یہ ہے، مغز سخن یہ ہے، کیسا دیوانہ جسے صرف دیوانہ نہ کہا جائے دیوانائے دانا کہا جائے، دانائے دیوانہ کہا جائے، بہلول دانا، دانا یعنی دانشمند، دانا یعنی دانشور، دانا یعنی عارف، دانا یعنی عالم۔ صرف دیوانگی کام نہیں آئے گی، ادھورا پیغام لے کر نہ اٹھیں، ادھورا میسج لے کر نہ جائیں کہ بس ہم تو دیوانے ہیں۔ جتنے بڑے دیوانے ہو اتنے ہی بڑے دانا بھی ہو کر دکھاؤ۔ اور جتنے بڑے دانا ہو اسی شان کے دیوانے بھی بنے رہو، نہ صرف دانائی کام آئے گی نہ صرف دیوانگی، کام وہاں آئے گی جہاں دونوں ہم آہنگ ہوں، جہاں علم و عشق میں دوئی ہو جائے وہاں شخصیت میں سنویت پیدا ہو جاتی ہے، جہاں علم و عشق ہم آہنگ رہیں وہیں وحدت پائی جاتی ہے۔ علم اور عشق کی وحدت، عقل اور عشق کی وحدت۔ اب دیکھیے یہ ایک اصول میں نے عرض کر دیا، انسان بنیادی طور پہ ایک وحدت ہے، انسان بنیادی طور پہ ایک وحدت ہے، انسان کی ذات میں ثنویت کا گزر نہیں ہے۔